दोस्तों आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ट्रिपल आर मूवी के असली हीरो की असली कहानी, जिनके नाम भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखे हुए हैं। ट्रिपल आर का मतलब होता है आर फॉर राइज, आर फॉर रोर, आर फॉर रिवोल्ट, जिसका हिंदी में मतलब बनता है उठो, गर्जो और विद्रोह करो। अब हम बात करते हैं इस मूवी में आने वाले असली हीरो किरदार की। अल्लूरी सीताराम राजू, जिन्हें अंग्रेजों ने पेड़ से बांधकर गोली मारकर शहीद कर दिया था। दोस्तों यह बात है 1882 की, जब ब्रिटिश राज ने मद्रास फॉरेस्ट एक्ट पास कर दिया था। इस एक्ट के तहत स्थानीय आदिवासियों को जंगल में जाकर खेती करने पर रोक लगा दी गई थी। दरअसल ये आदिवासी जंगल को जलाकर उसकी राख में खेती किया करते थे, जो कि अंग्रेजों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि अंग्रेज जंगल को आर्थिक तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। परिणाम स्वरूप यह एक्ट लागू करवा दिया गया। इस एक्ट को लागू हुए 15 साल बीत चुके थे और 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम में वैकंठ रामाराजू और सूर्या नारायणम्मा के घर पर एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया अल्लूरी सीताराम राजू, जिसने 1922 से लेकर 1924 तक चले रामपा विद्रोह का नेतृत्व भी किया था। ब्रिटिश सरकार के हाथों पास हुए एक्ट के प्रति लोगों में भारी गुस्सा था, लेकिन उनका नेतृत्व के अभाव में कुछ कर नहीं पा रहे थे। ऐसे में 25 साल के सीताराम राजू ने उन लोगों का लीडर बनकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया था, जिसे रामपा विद्रोह कहा जाता है। सीताराम राजू ने सैकड़ों क्रांतिकारियों के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन पर छापे मारे, उनके गोला बारूद हथियार लूटे और ब्रिटिश फोर्स की जो भी टीम उन्हें पकड़ने के लिए आती तो वह उन्हें मार दिया करते थे। अंत में 7 मई 1924 को ब्रिटिश फोर्स ने चिंतपल्ली के जंगलों में सीताराम राजू को घेर लिया गया। सीताराम राजू की मौत का क्रांतिकारियों में एक कड़ा संदेश जाए और भविष्य में वे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कोई भी विद्रोह करने की हिम्मत न करें, यह भय पैदा करने के लिए सीताराम राजू को पकड़कर पास के गांव कोयूरी ले जाया गया और पेड़ से बांधकर गोली मारकर उसे शहीद कर दिया गया। दोस्तों बात करते हैं इसके दूसरे पावरफुल हीरो कोमाराम भीम की, जिनका जन्म तेलंगाना में आदिलाबाद जिले के एक छोटे से गाँव शंखपल्ली में हुआ। भीम का बचपन बड़ी दिक्कत में गुजरा था। उन्हें न तो शिक्षा मिली और अपने लोगों की गरीबी देखी। व्यापारियों, जमींदारों और पुलिस वालों के हाथों अपने लोगों का होता शोषण देखा। जीवन यापन करने के लिए जंगलों में जो पांडू खेती की जाती थी उसे भी निजाम के लोग छीन कर ले जाया करते थे, और इन सब की आवाज़ भीम ने उठाई। जब निजाम के पट्टेदार सिद्दीकी गरीब लोगों से गाली गलौज करके जबरन टैक्स वसूल करने लगे तो कोमाराम ने सिद्दीकी की हत्या कर दी और वहां से भागने के बाद प्रिंटिंग प्रेस में काम करने लगे। या प्रिंटिंग प्रेस का काम बंद होने के बाद असम में चाय के बागानों में काम करने लगे। जब यहां के मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय की आवाज़ उठाई तो कोमाराम को 4 दिन के लिए जेल में डाल दिया गया। जेल से छूटने के बाद आदिवासियों को इकट्ठा कर 1928 से 1940 तक निजाम के खिलाफ गुरीला युद्ध करते रहे और निजाम के जमींदारों को मारते रहे। निजाम ने कोमाराम भीम को बातचीत के जरिए किसानों को जमीन वापस देने का लालच भी दिया, लेकिन भीम को निजाम की इन बातों पर विश्वास नहीं था और अपना विद्रोह जारी रखा। और अंत में भीम आर्मी से निपटने के लिए निजाम ने अपने 300 सैनिक भेजे। सैनिकों से लड़ते हुए कोमाराम भीम और उसकी आर्मी सितंबर 1940 को शहीद हो गए। दोस्तों हम इन दोनों क्रांतिकारियों को नम आंखों से नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।